everyone. Welcome to our channel. Today I would be taking up discount, the types of discount, how it is done, what are allowed, what is not allowed, what is recorded, what is not recorded. Discount kya hota hai? Discount is an allowance given by the seller to its purchaser. Means जैसे मैन्युफैक्चरर होते हैं, ट्रेडर होते हैं, होलसेलर्स होते हैं, ये लोग जब अपना मटेरियल किसी को सेल कर रहे हैं तो उसको कुछ डिस्काउंट देते हैं. डिस्काउंट जैसे हम लोग जाते हैं ना मार्केट में कि ये 20 रुपीज़ का लिस्टेड प्राइस है पर हमारे को 18 रुपीज़ में मिला है, तो वो 2 रुपीज़ क्या हो गया, 2 रुपीज़ हमारा अलाउंस हो गया, जिसको हम डिस्काउंट कहते हैं. ये डिस्काउंट दो तरीके से लिया जाता है इन अकाउंटिंग टर्म्स. एक होता है ट्रेड डिस्काउंट, एक होता है कैश डिस्काउंट. ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है? ट्रेड डिस्काउंट नॉर्मली मैन्युफैक्चरर या होलसेलर होते हैं जो रिटेलर्स को देते हैं ऑन बल्क क्वांटिटी. जैसे होता है ना कि अगर हम इसकी 100 पीसेस बाय करेंगे तो हमारे को ये प्राइस मिल जाएगा, तो उसे हम ट्रेड डिस्काउंट कहते हैं. और कैश डिस्काउंट क्या होता है? अगर हम इसकी पेमेंट तुरंत कर देंगे, अप फ्रंट में कर देंगे, तो हमारे को उस पर कुछ कैश डिस्काउंट भी मिल जाएगा, मतलब अगर हम उस पर क्रेडिट नहीं रखेंगे. ट्रेड डिस्काउंट हमारे को कब मिलता है? हमारे को मैन्युफैक्चरर्स और होलसेलर्स अपने रिटेलर को देते हैं ऑन अ फिक्स्ड परसेंटेज. ठीक है ना, जैसे 20 रुपीज़ का है, 20 रुपीज़ के ऊपर हमारे को 10% ट्रेड डिस्काउंट मिल रहा है, और उसके बाद हमारे को लिस्टेड प्राइस है हमारा 20 रुपीज़. लिस्टेड मतलब जितने की हमारी उसके ऊपर MRP है, उसके ऊपर हमारे को ट्रेड डिस्काउंट मिलता है. ठीक है, इसके एडवांटेज क्या होते हैं वो आगे बताएंगे. इसके बाद क्या है? कैश डिस्काउंट. कैश डिस्काउंट हमारे को, जैसे पहले भी बताया, वो हमें तभी मिलता है जब हम एक स्पेसिफाइड पीरियड में, मतलब एक टाइम फ्रेम में उसकी पेमेंट कर देते हैं. When do we allow trade discount? ये कब होता है? ये तब होता है जब एक स्पेसिफाइड क्वांटिटी में मटेरियल परचेस करा जाता है, मींस बल्क में परचेस करा जाता है, तब ये अलाउ होता है ऑन लिस्टेड प्राइस. और कैश डिस्काउंट कब अलाउ होता है? जब एक स्पेसिफाइड पीरियड में उसकी पेमेंट कर दी जाती है. मतलब आज हमने गुड्स खरीदे और हमने ये हो गया कि हमें एक हफ्ते के अंदर अंदर हमने इसकी पेमेंट कर दी, तो एक स्पेसिफाइड पीरियड में पेमेंट हो गई तो कैश डिस्काउंट अलाउ हो जाएगा. अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका ऑब्जेक्टिव ये है, ट्रेड डिस्काउंट हम लोग इसीलिए देते हैं ताकि अगर रिटेलर लिस्टेड प्राइस से थोड़ा नीचे भी सेल करे तो भी वो प्रॉफिट कमा सके. जैसे हम दुकान पे जाते हैं ना, कई दुकान पे जाते हैं, MRP 20 रुपीज़ की, पर रिटेलर सेल कर रहा है 19 का, इसका मतलब उसने ट्रेड डिस्काउंट लिया है. इवन इफ ही सेलिंग इट फॉर 19 रुपीज़, ही इज़ मेकिंग सम प्रॉफिट आउट ऑफ इट. और हमारे को कैश डिस्काउंट मिल रहा है क्योंकि उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ताकि प्रॉम्प्टली पेमेंट हो जाए हमारे को, सो दैट हम उसको थोड़ा सा और डिस्काउंट दे देते हैं. अब इसको हम बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं कि नहीं करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज़ रिमेंबर, ट्रेड डिस्काउंट इज नॉट अकाउंटेड फॉर इन द बुक्स ऑफ अकाउंट. हम इसे अकाउंट फॉर नहीं करते, जबकि कैश डिस्काउंट को हम अकाउंट फॉर करते हैं, मींस इसको हम लिखते हैं. इन माय नेक्स्ट लेक्चर आई विल एक्सप्लेन यू विद एन इक्वेशन हाउ डू वी राइट ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट. अब हमारा आता है डिडक्शन फ्रॉम इनवॉइस. इसके अंदर ट्रेड डिस्काउंट इज डिडक्टेड फ्रॉम इनवॉइस एंड कैश डिस्काउंट इज नॉट डिडक्टेड फ्रॉम इनवॉइस. नाउ टेक दिस एग्जांपल. इसमें क्या है, अ ट्रेडर हैज सोल्ड गुड्स अमाउंट ऑफ ₹20,000, जिसके अंदर ट्रेड डिस्काउंट है 10% और कैश डिस्काउंट है 2%. 20,000 का 10% कितना हुआ? 2,000. क्या वैल्यू आया हमारे पास? 18,000. अब इस पर कैश डिस्काउंट भी है, कितने परसेंट? 2%. 2% ऑफ 18,000, वो कितना हुआ? 360. अब टोटल वैल्यू कितना हो गया? 17,640. इसमें हमारे को एक चीज़ याद रखनी है, व्हेन बोथ द डिस्काउंट्स आर अलाउड, पहले ट्रेड डिस्काउंट होएगा, उसके बाद कैश डिस्काउंट होएगा.
आज के लिए इतना ही। इन माय अपकमिंग लेक्चर्स हम इसी कॉन्सेप्ट को आगे प्रैक्टिकल्स करेंगे इसके, एंड विल मेक यू एक्सप्लेन हाउ डू वी राइट ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।